हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग आज हम मॉनिटरी पॉलिसी देखते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है ठीक है तो मॉनिटरी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि मैनेज करता है साइज़ ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और ये कौन मैनेज करता है मॉनिटरी अथॉरिटी मैनेज करती है हमारे कंट्री की मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है आर बी आई है ठीक है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मैनेज करती ये बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है जो है कि मैनेज करती हैं कि कंट्री के इकोनॉमी का साइज क्या है ग्रोथ रेट किस लेवल पे है मनी सप्लाई का क्या रोल मतलब क्या कंडीशन है ये सब ठीक है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है टू रेगुलेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से जैसे इन्फ्लेशन हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गया करेंसी uh, का रेगुलेशन हो गया मतलब करेंसी रेगुलेशन मतलब करेंसी अप्रिशिएट हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है इन सब को ये रेगुलेट करता है ठीक है कौन मॉनिट्री पॉलिसी मॉनीटरी पॉलिसी आर कंट्रोल करती है ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जो आर होती है वो फॉर्मुलेट करती है इम्प्लीमेंट करती है और मॉनीटर करती है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री कंट्री के जो मॉनिट्री पॉलिसीज़ होते हैं उनको फॉर्मुलेट करना इम्प्लीमेंट करना उनको पहले बनाना फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मॉनिटर भी करना ठीक है तो ये सारे काम मॉनिटरी मौने, अथॉरिटी करती है ये मॉनिटर फॉर्मूलेट मतलब मौन, ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ठीक है बैंक इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना ये सब कुछ ठीक है और जो हमारा आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर है तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग आर बी आई का जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्राइस स्टेबिलिटी को प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी को और प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दिमाग में रख के करना है ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए प्राइस भी स्टेबल होना चाहिए ना ज़्यादा इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन ऐसा कुछ ना होके प्राइस स्टेबल रहे ठीक है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी के ये ऑब्जेक्टिव से ठीक है और क्या है करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना कंट्री के ठीक है करेंसी को और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना वही जो भी मैंने बताया करेंसी अप्रिसिएशन को मैनेज करना बहुत मतलब करेंसी अप्रिसिएशन ही हो गया और लॉन्ग चल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए इकोनॉमी के लिए तो कब किस चीज़ को फॉर्मुलेट करना है किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कब किस चीज़ को नहीं नहीं होने देना ये सब कुछ देखती है ठीक है और मेंटेन करती है लो स्टेबल इन्फ्लेशन हो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो दिक्कत होगी ठीक है तो इन्फ्लेशन हो थोड़ा बहुत हो स्टेबल लेवल पे हो ठीक uh, है और रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मोनिट्री स्टेबिलिटी रिज़र्वस जो हैं वो एक लिमिट अमाउंट में रहें उसको रेगुलेट करते रहना कभी रिजर्वस को बढ़ाना पड़ता है कभी कम करना पड़ता है ठीक है तो ये वो लोग देखते हैं कि कब किस चीज़ की ज़रूरत जरूर, है ठीक है और उसके अकॉर्डिंग चीजें करती हैं बैंक नोट को रेगुलेट करना और रिजर्व्स को भी रेगुलेट करना विथ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मोनिट्री स्टेबिलिटी इन ये सारे काम ये लोग करते कैसे हैं मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ टूल्स कुछ तो होंगे तो यस इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे बैंक रेट हो गया रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हो गई ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन सब के अलग अलग वीडियो बना रखी एक एक चीज पूरी डिटेल में ठीक है तो वो देखना आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट नहीं करती है माउंड्री अथॉरिटी करती है क्या करते हैं ये लोग बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए सिक्योरिटीज हो गई बिल्स हो गए तो उनको सेलिंग और बाइंग का, का काम करते हैं उसमें ये ठीक है और स्टेचुरट्री लिक्विडिटी रेश जो एस में क्या करते हैं ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको बढ़ाना घटाना होता है ये रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो होती है ये कॉमर्शियल बैंक खुद के पास ही रखती हैं तो ऐसे करके ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये मार्केट में पैसा और रेगुलेट करना मतलब बिल्कुल मार्केट में पैसा भेजना या फिर मार्केट से पैसा ऑब्जॉर्व करना मनी को ऑब्जॉर्व करना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होने देना तो ये सारे काम करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देख रहे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं एम एस एफ है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है रेपो है रिजर्व रेपो है मार्केट ऑपर ये तो उधर भी था ठीक है तो ये सारी चीज़ें इन इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मॉनेटरी अथॉरिटी जो है मार्केट को स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है रेगुलेट करती है और पॉलिसीज़ को फॉमुलेट करती है इम्प्लीमेंट करती है उसको मॉनिटर करती है ठीक है बात समझ आई नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा सा है ठीक है मोनिट्री पॉलिसी कमिटी है ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे मॉनिट्री अथॉरिटी काम करती है ठीक है तो एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है ठीक इस है इसमें सिक्स मेंबर्स हैं ठीक है कौन कौन है ठीक कौन कौन है एक चेयरपर्सन है जो कि चेयरपर्सन कौन है आर का जो गवर्नर है आर के जो गवर्नर होते हैं वो चेयरपर्सन है इसके ठीक है और एक्स ऑफिशियो है एक मेंबर जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आर के वो इंचार्ज होते हैं मोनिट्री पॉलिसी के ठीक है और एक और होते हैं जो कि आर uh, के मेंबर होते हैं आर के अंदर ही होते हैं आर uh, इनको जो सेंट्रल बोर्ड है वो इनको नॉमिनेट करती है ठीक है ये आर के अंदर के मेम्बर होते हैं ठीक है थीके? ये तीन जो हैं ये आर के मेम्बर्स होते हैं और बाकी जो तीन हैं ये आर के मेम्बर्स नहीं होते हैं ये आउटसाइड से होते हैं ठीक है आउटसाइड ऑफ दी आर बी होते हैं ठीक है थीके? और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है नॉमिनेट करती है ऑथोराइज करती है ठीक है कि आप जाओ और मॉनिट्री पॉलिसी को संभालो ठीक है तो ये सिक्स मेंबर्स हैं ठीक है थीके? इनके काम देखो क्या क्या है वो देखो ये कंस्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है मॉनिट्री पॉलिसी कमिटी को कंस्टिट्यूट किसने किस करता है किसने करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है एज़ पर सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी ऑफ आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर ठीक है नाइनटीन थर्टी फोर में आर बी आई एक्ट जो है एक अमेंड हुआ था तो उसमें था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉर्म करना है बाकी इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है मॉनिट्री पॉलिसी कमिटी की ये हेल्ड हुई थी थ्री और फोर अक्टूबर को टू थाउजेंड सिक्सटीन में जाकर के मुंबई में वो भी ठीक है कहाँ पे हुई थी मुंबई में फर्स्ट मीटिंग हुई थी ठीक तो है अमेंडमेंट्स हुए तो उसमें पहले स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके क्लियर नहीं थे कोई कमेटी कहती सेवन मेंबर्स होने चाहिए कोई एट ऐसे ऐसे था फिर बाद में फाइनलाइज होकर के सिक्स मेंबर्स बने इसमें ठीक है इनकी फर्स्ट मीटिंग थ्री और अक्टूबर और फोर अक्टूबर को हुई थी टू में मुंबई में हुई थी ठीक है और उसके बाद से चीज़ें इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने शुरू करे ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट फोर टाइम्स इन अयर चार बार ही मिलना इनका जरूरी है और इसमें इस मीटिंग में फोर में, मेंबर्स जो है कोरम ऑफ फॉर द मीटिंग जो है उसमें फोर मेंबर्स होना कंपलसरी है ठीक है और सबका एक वोट होगा और एक कास्टिंग वोट या फिर सेकेंड वोट कह लो ये गवर्नर का होगा अगर कोई इक्वालिटी की बात नहीं है वहाँ पे फिर कुछ भी इक्वालिटी से इशू है तो वहाँ पे गवर्नर का एक कास्टिंग मोट होगा या सेकेंड मोड होगा ठीक है हर छः महीने पे इनका एक वो निकलता है रिपोर्ट निकलता है उसमें बताते हैं ये लोग कि क्या चीज़ें हुई हैं कहाँ पे इन्फ्लेशन के सोर्सेज वगैरह क्या थे कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है और बाकी की चीज़ें ठीक है तो ये मॉनेटरी और तो, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करते हैं हर छः महीने पे ठीक है और उसके उसमें ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इन्फ्लेशन का या फिर कैसे स्टेबलाइज़ करा और ये सब कुछ ठीक है तो आई होप ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है इनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं ये जो मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटी है ये जो मैंने सिक्स बताए हैं यहाँ पर इन लोगों का काम होता है ये लोग ही मेन जो होते हैं बताते हैं कि कौन सी चीज़ को अभी कब इंप्लीमेंट करना है कितना रखना है रेपो रेट कितना रखना है रिजर्व रेपो रेट कितना सॉरी रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है एस कितना रखना है ये लोग ही बताते हैं ठीक है मॉनिटर करते हैं इंप्लीमेंट फॉर्मुलेट ये सारा कुछ कौन करता है ये लोग ही करते हैं जो सिक्स मेंबर कमिटी है ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ठीक है तो इनका ये रोल होता है सो थैंक यू हैव नाइस डे बाय